आज तक सूर्य का स्थान है, लेकिन आज चंद्रमा का पर्यावरण शब्द कहते अरुण तियक दिए ये सूर्य का स्थान है ना। अब यहाँ उपमा में अरुण तिलक दिए भाल, चंद्रमा का पर्यावरण सूर्य का स्थान है। इस शब्द का प्रयोग कैसे, तो तर्क है, यहां भाव है कि जिनके सूर्य से स्थान पे मस्तक पे अरुण तिलक शोभायमान हो रहा है, और अगर आप भी तिलक लगाएंगे या प्रभु ने जो अरुण तिलक लगाया अगर आप लगाएंगे, तो उपमा है वहां कि जैसे चंद्रमा शीतल है, ऐसे ही शीतलता का प्रतीक मस्तक पे लगा हुआ चंदन है। आप अरुण तिलक लगाएं तो वही शीतलता आपके जीवन में भी आ जाए, चंद्रमा की शीतलता का उपमा। सावल सूरत मोहनी मूरत, सावल सूरत मोहनी मूरत, अरुण तिलक दिए भाल मेरे नैनन में नेत्र हमेशा प्रभु के आगे हो। सत्संग में आए नेत्रों से प्रभु दर्शन की अभिलाषा, जिहवा से हरि नाम उच्चारण, हाथों से मधुर कर्तन। लेकिन यहाँ अलग है, यहाँ जो बात कहा जा रहा है कि नैना की जख में बड़ी गाव करत गंभीर, देखन में वो ची लगे कर। यहाँ कहा गया है, कुछ नियम बताए गए हैं कि स्त्री के कुंवारी कन्या के नेत्रों में मत देखना, देखना है हम लोगों को उनके पैरों में, क्योंकि ये कन्या आदि शक्ति का स्वरूप है। काम के दृष्टि से देखा है तो घर बार छोड़ करके पागल हो जाओगे, और अगर माँ भगवती के स्वरूप में देखा है तो दृष्टिपात से उसकी ज्वालाओं से जलकर भस्म हो जाओगे। और अगर ये भाव है कि बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम, ये हंसने की बात नहीं, रुक्मिणी ने कन्हैया को देखा नहीं था, रुक्मिणी ने जब उनको पति बनाया तो देखा ही नहीं है ना, कहां देखा है गोविंद को, नंदलाल को कन्हैया को देखा ही नहीं, और उन्होंने कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मोर मुकुट मेरा पछिस
है ना बिन फेरे हम बिना देखे रुक्मणी ने देखा नहीं किधर में आया रुक्मणी का गांव महाराष्ट्र में हमारे यहां और कन्हैया जी तो द्वारिका में थे उन्हें देखा ही नहीं बिना देखे अपना मान लिया गुणों को माना था उनकी कीर्ति को तो नैनों में नेत्र डालकर नहीं देखना और सुनिए मित्र कितना भी नजदीक हो क्षत्रिय का उपमा इस वक्ष स्थल को दिया गया तिवारी जी मित्र कितना भी क्लोज हो कभी यहाँ बार बार हाथ रख के बात मत करना मित्रता शत्रुता में बदल सकता है ये क्षत्रिय का स्थल है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कितना भी प्रिय मित्र है अगर उसके चाली पे अरे चलना अपन घूम के आएंगे तो शत्रुता में बदल ही जाना है क्योंकि वो वर्ण नहीं होता कि जाति वर्ण कब हो ना छूट वो कभी नहीं छूटेगा जी वो असर बता ही देगा कि नहीं होगा क्षत्रिय का स्थल है ना बार बार कहोगे तो उसे क्रोध आ जाएगा जैसे कहते हैं कि कही कारण गूलर गुप्त फुले कही कारण धूल उड़ावत हाथी और कही कारण पान फुले न फुले कही कारण डोलत पीपर गूलर मैं फूल नहीं नजर आता पान में फूल नहीं नजर आता हाथी धूल फेंकता रहता है पीपर का पत्ता हिलता रहता है दुनिया में तीन चार चीजें आचार्य जी नहीं रुकते समय का चक्र घोड़े का कान पीपल का पान और हमारी माँ की जुबान ये नर पे घोड़ा सोता रहे या जगता कान हिलता रहेगा बारिश ना जाए कान में गिर जाए बारिश ना जाए समय तो स्थिर होता ही नहीं पीपल का पत्ता हिलता ही रहेगा पवन का वेग है या नहीं ऐसे हमारी माँ की भी जुबान बड़ा अटपटा लगता खैर उन्हीं से हम भी पैदा हुए ये कैसी आरती करते पता है बिहारी तेरे चरणों में जाऊं हरे आचार्य जी इधर चालू है बिहारी तेरे चरणों में जाऊं वारी वारी ओ भैया ओ अरे देखना दूध उबल ना जाए हाँ बजा बजा बिहारी तेरे चरण ये कीर्तन गा रही है या वहां दूध फूक रही है इतने में भी ना फिर और एक लाइन बजेगी बिहारी तेरे चरणों में जारी जारी तब तक दूसरी कहेगी ये दूध फिर से आ जाएगा भजन गाले ही 9 से 10 बजे रात को कीर्तन हो दूध की आवाज में सोच ले तो कीर्तन कर ले तब तक वो चालू हो जाएगी थी बिहारी तेरे चरण फिर रुक जाए रुक रुक बोले इम के मामला अरे भूखो मैं तो घर छुड़ला छोड़ा ये बाहरी टेबल पे 100 रुपए पड़े अरे चलिए वो छोड़ दीजिए हंसने की बात है कहने का मतलब जब भाव में आए यहाँ तो इसी के होकर रह जाए तो आनंद है 5,000 की भीड़ हो या 5 लोगों की तथा तो एक परम एकांत है। अब उसके बाद में आप लोग करतल उठाइए जरा सावर आनंद ले लीजिए हाथ ऊपर करिए जरा से जिनके हाथ नहीं है उनको दूसरी बात कह दी जाती है फिर एक बार भगवान शंकर आए थे ना दुनिया में तो देखे बड़ी सुंदर स्त्री है लेकिन ऐसी है बड़ा सुंदर पुरुष है लेकिन ऐसा है सती ने कहा ये सबको है बोले जिनने हाथों से दान नहीं किया उनके ऐसे कर दिए जिनने तालियां नहीं बजाई उनको ऐसे कर दिए जिनने भजन नहीं किया ये हाथ दिए जिस काम के लिए करें अरे तूने जब रचो रे भगवान खिलौना
सर किस काम का जो गुरु के द्वार ना झुके, है फूल किस काम का प्रभु के गले का हार ना बने, धन किस काम का परमार्थ में ना लगे, जल जाए वो जिहवा हरि का नाम ना जपे। ये जिहवा का क्या काम है? शांति से तिवारी बाबा, चुगलखोरी, दूसरे के बुराई, वो तो ऐसी। फिर जिहवा का क्या काम है? तेरी जिहवा दिया है भजराम, मिलो ना बाकी
महाराजा उत्तान पाद के कुल में ध्रुव की उत्पत्ति हुई। मैंने अभी एक लाइन कही थी थोड़ी देर पहले कि वैराग की जननी नारी को कहा गया है। तुलसी जी जब अपने पत्नी को मिलने चले ना, अंधेरी रात, नदी भरी हुई, मिलना है तो मिलना है, पत्नी के प्रेम में व्याकुल जा रहे हैं, कोई नाय नहीं है, कोई साधन नहीं है, एक मुर्दा जा रहा था, मरा हुआ लाश, उस पे बैठ कर गए, सर्प की टंगा हुआ था। तुलसीदास फते आहा, सारी व्यवस्था फिट है, देवी जी ने पहले से ही रस्सी टांग रखी है। ससुराल में मर्यादाएं होती हैं, पति पत्नी भी हो तो कई मर्यादाओं के साथ जीना पड़ता है। चढ़ गए ऊपर, ऊपर जा करके तुलसी जी ने कहा कि देवी दरवाजा खोल, बोले तुम मरने आ गए इतनी रात को, तुम्हें भय नहीं है मृत्यु का? बोले वाह देवी वाह, पहले अदाएं दिखाते हो, बुलाते हो, अब आप बाद में हम पे कहते हो, कन्हैया जैसी बात। गोपियां गई कन्हैया जी के पास, बोले बड़ी प्यारी बंसी बजा के बुला लिया। बोले मैं क्यों बुलाऊं, मैंने थोड़ी बुलाया, तब अपने आप ही आ गए, तुम्हें क्या कहते। तुलसी जी से उनकी पत्नी कहती है कि आपको यहां नहीं आना चाहिए। बोले आपने बुलाया, आपने रस्सी लटकाया, बोलते हो नहीं आना चाहिए। बोले कौन सी रस्सी, चलो देखे तो देखे तो उसमें क्या था, नाग सर्प था, जानवर। रत्ना ने कहा कि जितना प्रेम आपको मुझसे था कि आपको मृत्यु का भय नहीं था, काश अगर यही प्रेम परमात्मा में हो जाए तो आज का तुलसी कल तुलसी दास हो जाए। प्रेम ऐसे ही, ध्रुव छोटे हैं, 5 वर्ष की अवस्था है और ध्रुव बैठ करके एक ही गीत गा रहे हैं, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि जाके वो उतार उठाने लगे, माता पिता का पैर पड़ने लगे तो हमारी माताएं भी कह देती हैं, बड़ा आ गया पुजारी, भगवान तेरी जेब में है क्या? ऐसे ध्रुव की मासी ने व्यंग भाषा कहा तो हठयोग बहुत होता है। ध्रुव घर से निकल पड़े तपस्या करने के लिए और तप में बहुत ताकत है, पानी भी एक तप है। किसान खेती करता है वो भी एक कर्म का तप है। एक संसारी भगवा पहनकर घूमकर भक्ति नहीं कर सकता, लेकिन वास्तव में वो जो तप करता है वो किसी सन्यासी से बहुत बड़ा तप है। कर्मणे वाधिकारस्तो मा फलेषु कदाचित्। एक बार इस विषय पर देवऋषि नारद ने श्री हरि से सवाल किया, कहने लगे दयालु आपका परम भक्त कौन है? कहे गृहस्था। बोले कैसे? वो लोग तो आपको स्मरण नहीं कर पाते दयालु। कहे ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। देवऋषि ये थाली दे रहा हूं,
इसमें पानी भरा हुआ है, इसे लेकर मृत्यु लोक जाना और वहां से वापस चले आना, एक बिंदु जल नीचे लगे। आचार्य लिया उन्होंने और एक ही बार कहा कि वारी बरोबर वारी है, वारी बरोबर वारी है, तापर बहुत भया, अब तो शरण आपके राखो लाज हमारी। यहां शब्द अलंकार है, वारी बरोबर वारी, पहले वारी का अर्थ जल है और दूसरे वारी का अर्थ है थाली के किनारे वाली ऊंचाई। कि वारी बराबर वारी है, यानी थाली है, थाली की जितनी ऊंचाई है उतना जल है, वारी बरोबर वारी है। सब डाला था ता पर बहत बयारी, उसके ऊपर से पवन का तीव्र वेग है। हे परमात्मा, इसको नीचे मृत्यु लोक से ऊपर तक लाना है। इस समय मैं आपकी शरण में हूं, मेरी लज्जा कर दो। देवऋषि नादर लेकर नीचे तक गए, मृत्यु लोक से वापस आए और कहने लगे, दयालु एक बिंदु जल नहीं गिरा, अब तो मैं आपका परम भक्त हो गया। बोले नहीं, कहने लगे नहीं। बोले क्यों? बोले आपको मैंने एक काम दिया। क्या काम दिया? एक, कि ये जल मृत्यु लोक से वापस लाना, और इतनी घड़ियों में आपने मुझे याद कितने बार किया? एक ही बार याद किया कि वारी बरोबर वारी है, तापर बहत बया, अरे अब तो शरण में आपके आपको ये काम दिया मैंने, और इतनी देर में ये कई बार राम का नाम लिया तुमने। अरे इन संसारियों के तो हजार काम है, सुबह घर में उठते बोलते हैं ताऊ राम राम, ढोर का न्यार पानी करने गए तो बोले राम राम, किसान के काम में कोई करे तो बोले राम, इतने काम करने के बाद भी वो मुझे हर सांस में राम राम याद रखता है, और तुझे एक काम दिया और तूने एक बार नाम लिया तो तेरे से बड़े भक्त तो ये संसारी ही है, क्योंकि इन्हीं में परमात्मा का जन्म होता रहता है। और इन संसारियों के लिए घर छोड़कर तो नहीं आ सकते, इनके बारे में मेरी एक कल्पना है कि माना ये जीवन तेरी। आचार्य जी घर में हो, एकांत वास आराधना ब्रह्म तत्व का हो, कि माना ये जीवन तेरी है, छाओ में भगवान पर कर्मों की जंजीरे, पाँव में भगवान पर कर्मों की जंजीरे, जीवन तेरी माना ये जीवन तेरी, पाँव में भगवान पर कर्मों की जंजीरे, पाँव में भगवान I'm
भगवन परिक्रमा की जल जीरे पाओ में भगवन दर्शन दिया तो ध्रुव हंसे, ध्रुव को देख के भगवान हंसे।
भगवान को देख के परीक्षित हंसे, परीक्षित को देख के सारे संत हंस गए और किसी को पता नहीं हंस किस लिए रहे, किसी को समझ में नहीं आए तुम हंस क्यों रहे। तो हुआ क्या, भगवान ने पूछा ध्रुव तुम क्यों हंस रहे, बोले मैं तो हंसा नहीं सरकार, बस मैंने तो ही देखा आप हंस रहे थे तो बिना कहे जैसे आप करे वैसे मैं करने लगा, भाई इधर की बात ऐसी है जैसे तू करता था वैसे मैं भी करने लगा। बोले नहीं महाराज, वास्तव में मुझे अपने आप पे हंसी आ रही थी। बोले क्यों, बोले प्रभु आप मेरे सामने खड़े थे और मुझसे पूछ रहे थे माँ और क्या चाहिए, माँ और क्या चाहिए, माँ और क्या चाहिए, तो मुझे खुद में हंसी आ गई कि अभी भी परमात्मा को मुझ में कोई कमी नजर आ गई, जो सब कुछ है समक्ष और फिर भी भाग रहा है। ए परमात्मा ये अभी कितनी परीक्षा लेगा, सब कुछ तो अर्पण कर दिया, दुनिया की सबसे जिसकी इच्छा थी वो मुझे मिल गया, अब आप कह रहे हैं कि मुझे मांग क्या चाहिए, मांग क्या चाहिए, तो हंसी आ गई। भगवान ने कहा जब मेरा भक्त हंसे तो मुझे भी हंसी आएगी, क्योंकि भगवान हमेशा भक्त के आनंद में ही संतुष्ट रहते। परीक्षित से कहा गया कि भाई आप क्यों हंस रहे, बोले महाराज मुझे तो सर्पदंश अभी कुछ दिन बाद करेगा, लेकिन आनंद तो आज ही आ गया और ब्रह्मानंद मिल गया। बोले कैसे, पहली बार गुरु बनाया, एक ही गुरु बनाया जिसने जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का दर्शन करा दिया, ऐसा गुरु मिल जाए तो जीवन में भवपार हो जाएगा।